तो दोस्तों आज एक ही वीडियो में हम लोग दो खबरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो निकल कर आ रही है भारत द्वारा खरीदे जाने वाले एक नए पोर्ट को लेकर, और दूसरी खबर वहीं पर भारत अमेरिका सहित 26 देशों के एक संगठन के बारे में बात करेंगे जो कि चाइना के खिलाफ काफी मजबूती से समय बिल्ड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आप सभी को याद होगा, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दिया था ईरान के चाबार पोर्ट से संबंधित, और मैंने आपसे उस वीडियो में बताया था कि वर्ष 2003 और 4 से ही भारत ईरान के बीच में इस पोर्ट को लेकर बातचीत और साझेदारी लगातार चल रही है। अभी भी इस पोर्ट का संचालन भारत के हाथ में है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कुछ काम भारत द्वारा करवाए गए हैं जिन्हें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके बाद एक लॉन्ग टर्म में डील होने जा रही है भारत ईरान के बीच में, जिसके चलते हम लोग अगले 10 सालों के लिए लगातार इस पोर्ट का संचालन स्वतंत्रता के साथ कर पाएंगे। तो अब इसी संदर्भ में खबर निकल कर आ रही है कि आज यानी मंडे के दिन भारत के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ईरान की राजधानी तेहरान पहुँच रहे हैं और वहाँ पर इस डील को वो साइन करने जा रहे हैं। संभवतः जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक दोनों देशों के बीच में इस डील को फाइनलाइज कर लिया गया होगा। अब एक तो ये पोर्ट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के कंट्रोल में है उसके नजदीक है, तो वहां से हम लोग चाइना और पाकिस्तान की घेराबंदी कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मंशा थी कि ज्यादातर देश कराची पोर्ट का इस्तेमाल करे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, उसके अल्टर के तौर पर हम लोगों ने इस पोर्ट को यानी चाबार पोर्ट को तैयार किया है, और एक्चुअली ये काफी अच्छे आउटपुट दे भी रहा है, और इसके चलते पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वो बिल्कुल वीरान पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की अगर स्पेशली बात की जाए तो वहां का व्यापार तो 50% इसी चाबार पोर्ट से संचालित होता है, और उनकी तरफ से चाबार पोर्ट के निर्माण में $35 मिलियन का निवेश भी किया गया है। तो अल्टीमेटली ये डील हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और अब फाइनली ये लॉन्ग टर्म में बदलने जा रही है। इससे भारत अगले 10 सालों तक अपनी सारी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाएगा। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इस बार जून मंथ में अमेरिका के हवाई में रिमपैक 2024 का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये दरअसल एक युद्धाभ्यास है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार चाइना का मुकाबला करने के लिए इस युद्धाभ्यास में कुल 26 देश पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें एक हमारा देश भारत भी है। भारत अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, यूके और यूएस से भारत की नौसेनाएं शामिल होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के दौरान ही इन सभी देशों का आपसी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा रखी जा रही है, जो कि चाइना के थ्रेट से निपटने के लिए इन सभी देशों के लिए उपयोगी साबित होगा। क्योंकि जितने भी नाम मैंने आपको गिनवाया, आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि इनमें से ज्यादातर देश चाइना के विरुद्ध हैं और चाइना ज्यादातर देशों के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। इसके अलावा सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज, यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी टीम और साथ ही स्विस के शोधकर्ताओं द्वारा इसे इस तरह से परिभाषित किया है कि ये युद्धाभ्यास स्पेशली चाइना के खिलाफ किया जाता है, और इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि अनेकों यूरोपियन देशों द्वारा पहली बार चीन को सुरक्षा के लिए एक चैलेंज माना है, और तभी से समान विचारधारा वाले देश मिलकर इस युद्धाभ्यास को कंडक्ट करते हैं। तो खैर, चाइना के खिलाफ जो कुछ भी किया जाए, जैसा भी किया जाए, वो अच्छा ही होगा। इस तरह की चीजें जरूर होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।